हेलो लवली लेडीज़। तो फ्रिज में रखी हुई मलाई से घी बनाने का विचार जब भी आता है तो बहुत सारा वेस्टेज और पूरे घर में स्मेल याद आता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना वेस्टेज के मलाई से बनने वाला घी। चलिए 8 से 10 दिन की मैंने मलाई से आधा किलो से भी ज़्यादा के करीब घी बनाया है और 2 लीटर मेरी यहाँ छाछ बनकर तैयार है और वेस्ट आप यहाँ पर 0 के बराबर देख रहे हैं। ये है मेरी मलाई जिसे मैंने लिक्विड फॉर्म में पानी डालकर गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं ताजे दही की 2 से 3 चम्मच डालकर इसे रात भर के लिए ढककर रख दूंगी। याद रखिए ये मलाई हमारी उतनी ही गर्म होनी चाहिए जितना कि हम दूध को दही जमाते वक्त करते हैं। देखिए तो अगले दिन सुबह मुझे ये बिल्कुल दही की तरह मलाई पूरी जमी हुई मिली है। अब मैंने इसे यहाँ पर ठंडा पानी डालकर फेंटना शुरू कर दिया है। मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी है, आप चाहें तो घर में यूज़ होने वाली रवाई से भी इसे फेंट सकते हैं। 2 मिनट में ही यहाँ छाछ से मक्खन अलग होता दिख रहा है। ध्यान रखिएगा मैं ये घी यहाँ पर गर्मी में बना रही हूँ इसलिए मैंने फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ किया है। अगर आप इसे ठंड में बना रहे हैं तो आपको हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फ्रिज के ठंडे पानी के बजाय अगर नॉर्मल पानी यूज़ किया होता तो ना ये मक्खन इतने अच्छे तरीके से निकलता और बल्कि ये मक्खन इस छाछ में मेल्ट हो चुका होता। ये हमारे मक्खन और छाछ बनकर रेडी है। मक्खन को अब मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर देती हूँ और अब इसके बाद की प्रोसेस आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारी ये फ्रेश सी बटर मिल्क बनकर रेडी हो चुकी है। इसे मैं छाछ बोलती हूँ और अब मैं किसी भी चीज़ में इसे यूज़ कर सकती हूँ। मक्खन में थोड़ी बहुत बची हुई छाछ है इसे भी पहले हटा देते हैं। फिर हम बर्फ़ के पानी से या फ्रिज के ठंडे पानी से इसे वॉश करेंगे। पहले मैंने एक बार पानी डाला है, अब इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। बचे हुए एक्स्ट्रा पानी को मैं इस छाछ में डाल देती हूँ। ये मक्खन के साथ जो अभी मैं डिशुम डिशुम कर रही हूँ ना, इसका जादू मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो मैंने एक बार और ठंडा पानी डाला है, फिर से इसे वॉश किया है और बचे हुए इस पानी को हटा दिया है। अब आप यहाँ देखिए ये बिल्कुल मार्केट के जैसा बटर बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको या आपके बच्चों को खाने में ऊपर से बटर डालकर खाना पसंद है तो आप इसमें हल्का सा नमक डालकर और एयर टाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इस छाछ को मैं छोटे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तो हमें बनाना है घी, तो ये मक्खन गया सीधा हमारा गैस पर। अब इस मक्खन को 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि इस मक्खन में पानी या छाछ बिल्कुल भी ना बचे, क्योंकि जितनी अगर इसमें पानी या छाछ बचा हुआ रह जाएगा तो इससे हमारी गैस भी ज़्यादा यूज़ होगी और घी को पकने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, पूरे घर में स्मेल भी ज़्यादा होगी और घी के कलर पर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमारा घी बनकर यहाँ रेडी हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसे छन्नी से छान कर एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और जो मैंने मक्खन के साथ पे तब डिशुम डिशुम किया था ना, अब मैं उसका जादू आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने उस टाइम पर उसे 2 बार वॉश नहीं किया होता ना, तो ये जो कुरचन निकली है ना, ये 5 गुना ज़्यादा होती। अब आप यहाँ देख रहे हैं इतनी सारी मलाई में सिर्फ इतनी सी कुरचन निकली है, इसे बोलते हैं 0 वेस्टेज। तो अब आप पहले वाले सारे झंझट से फ्री हो जाइए और मेरी स्ट्रीक को यूज़ कर घी बनाइए और चिंकीज़ बाइट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।